Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, today I am going to teach you about the syntax. Syntax mein either or, neither nor, or ka istemal. Hum sikhayenge aapko. Theek hai friends, to zyada baat nahi karte hue aaj ki class shuru karte hain. To let's start the class of the day. Friends, either or, neither nor या और का इस्तेमाल आपने इस शब्द के बारे में सुना होगा, बट इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं और इनके साथ क्या क्या किया जाता है और क्या क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह की वर्ब लगाने की ज़रूरत है, किस तरह के प्रोनाउंस लगाने की ज़रूरत होती है, वो उस पर हम आज चर्चा करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो सबसे पहला नियम है either or, neither nor और का इस्तेमाल करने का, अगर दो सिंगुलर नाउन्स either or, neither nor या और से जुड़े हो तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है. ठीक है फ्रेंड्स, फिर से एक बार, अगर दो सिंगुलर नाउन्स आइदर और, नाइदर नोर या और से जुड़े हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम सेंटेंस बनाते हुए समझते हैं. तो सेंटेंस मैंने बना के लिख के रखा है, राजू और मोहन वर सिंगिंग. राजू और मोहन, ये मैंने जैसा कि बोला कि दो सिंगुलर नाउन्स और नाइदर नोर या आइदर और से जुड़े हो तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन है, ये राजू है, एक मोहन है, ये दोनों सिंगुलर नाउन है और दोनों और से जुड़े हुए हैं, और से. तो इनके साथ हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे. तो पहला जो सेंटेंस है, राजू और मोहन वर सिंगिंग सॉन्ग. राजू या मोहन गीत गा रहे थे. तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ओके फ्रेंड्स, ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया हुआ है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट ये होगा कि राजू और मोहन वॉज सिंगिंग सॉन्ग. राजू या मोहन गीत गा रहे थे. ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी भी आप ध्यान रखना कि जब भी दो सिंगुलर नाउन और से या इधर और, नाइदर और से जुड़े हो तो उनके साथ यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ब जो है ये प्लूरल वर्ब है, इसके लिए हम यहाँ पर वर्ब ना लिखकर वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे. अभी दूसरा सेंटेंस, राधा और रेशमा आर डांसिंग. राधा या रेशमा डांस कर रही हैं, यानी नाच रही हैं. तो दिस सेंटेंस इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज राधा और राजेश, रेशमा दोनों सिंगुलर नाउन है और ये और से जुड़ा है. तो नियम के अनुसार ये बोला जाता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन और से जुड़े हो या आइदर और या नाइदर नोर से, तो यहाँ पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, न कि प्लूरल का. तो यहाँ पर हमने प्लूरल किया है तो ये सेंटेंस कम्प्लीटली रॉन्ग है. ठीक है फ्रेंड्स, अभी दूसरा सेंटेंस, यही सेम सेंटेंस है, इसका करेक्ट है, राधा और रेशमा इज डांसिंग. राधा या रेशमा डांस कर रही है. तो दिस सेंटेंस इज राइट. ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पहला स्टेप, आइदर और, नाइदर नॉर या और का इस्तेमाल करने का. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम दूसरा नियम समझते हैं. यदि अलग अलग पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यदि अलग अलग पर्सन आइदर और, नाइदर नॉर या और से जुड़े हो तो उसमें अंतिम जो सेंटेंस का जो आखिरी पर्सन होगा, यानी कि जो लास्ट में रहेगा पर्सन, फर्स्ट पर्सन रहेगा या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो उसके हिसाब से हम वर्ब या प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, और सेंटेंस का जो क्रम होता है, जो पर्सन का क्रम होता है, वो 231 होता है. मीन्स सेंटेंस में हमेशा सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सेंटेंस से समझते हैं. जैसे आइदर ही और यू आर गोइंग टू मुंबई. ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है थर्ड पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, लेकिन इस सेंटेंस में क्रम का जो नियम, पर्सन का क्रम का जो नियम है वो 231 है. मीन्स पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. तो यहाँ पर जो है वो क्रम ही गलत है. तो क्रम गलत है तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया. दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग.
क्योंकि यहाँ पर 231 के हिसाब से ही यहाँ पर पर्सन को रखा जाएगा, मीन्स यहाँ पर सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, अगर थर्ड पर्सन नहीं होगा तो फर्स्ट पर्सन रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम सही कैसे लिखेंगे? आइदर सेकंड पर्सन इसमें है यू, यू और ही, फिर अब ही के हिसाब से हम ही के अनुसार यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी होगा हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आर यहाँ पर लिखा है, दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ पर ही के साथ इज आएगा तो इज लिखेंगे, ही इज गोइंग टू मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, आइदर यू और ही इज गोइंग टू मुंबई, दिस इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, हमेशा इस चीज को आप समझ लेना कि अगर अलग अलग पर्सन आइदर और नैदर नॉर या और से जुड़े हो तो उसमें जो लास्ट पर्सन है, जो सेंटेंस में लास्ट होता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में कौन सा होगा तो ये 2-3-1 नियम के हिसाब से आप चलना, कि सबसे पहले अगर सेंटेंस में सेकंड पर्सन है तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, थर्ड पर्सन है तो उसके बाद थर्ड पर्सन लिखेंगे, अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर सेकंड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे नीदर आई नॉर ही इज गोइंग टू मुंबई, ना तो मैं ना वह मुंबई जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसके हिसाब से है कि नहीं, पहले फर्स्ट पर्सन इसमें है लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन पहले होना चाहिए, तो इसमें इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन है ही नहीं तो उसके बाद थर्ड पर्सन आ रहा है, तो थर्ड पर्सन को पहले लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में रहेगा। अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है तो हमेशा लास्ट में ही आएगा। तो इसको हम लिखते हैं सही करके, नीदर ही नॉर आई, फिर आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम गोइंग टू मुंबई, दिस इज राइट, दिस इज इनकरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यह बात हमेशा आप याद रखना कि ये जो अलग अलग पर्सन के, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अलग अलग पर्सन के अगर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर या और से जुड़े हो तो उसका जो लास्ट सेंटेंस में जो लास्ट पर्सन होता है फिर उसके हिसाब से हम वर्ब या प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। और जो सेंटेंस में पर्सन का क्रम होगा वो 231 नियम के हिसाब से होगा, यानी कि सेंटेंस में सबसे पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम रूल्स नंबर फोर्थ फोर्थ देखते हैं। यदि सेंटेंस में आइदर या नाइदर का प्रयोग हो तो उनके साथ सिमिलर वर्ब या प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आइदर ऑफ टू बॉयज हैव डन दिस, उन दो लड़कों में से किसी एक ने यह काम किया है, यह किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने नियम के अनुसार क्या बोलता है, यदि सेंटेंस में आइदर और नाइदर हो तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, द आइदर ऑफ टू बॉयज हैव डन दिस, दिस इज रॉन्ग, इसका सही क्या होगा, आइदर ऑफ टू बॉयज हैज डन दिस, दिस इज राइट, ओके, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। अब हमेशा याद रखना कि आइदर और नाइदर के इस्तेमाल हो तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अभी दूसरा सेंटेंस, नीदर ऑफ दोज शर्ट्स आर चीप, उनमें से कोई भी शर्ट सस्ती नहीं है, तो यहाँ पर दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने आर का इस्तेमाल किया है इसलिए दिस इज इनकरेक्ट। लेकिन नियम के अनुसार जो रूल्स है ये कहता है कि अगर आइदर नाइदर का इस्तेमाल हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब का ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा नीदर ऑफ दोज शर्ट्स इज चीप। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज सिंटैक्स के बारे में, आइदर और नाइदर नॉर या और का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और फ्रेंड अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।